नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। पूरे बिहार में लॉकडाउन किया गया। इस लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं प्रदेश में जो मजदूर रहते हैं वो अपने घर लौटने लगे। हम नवादा की आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आप तस्वीर में देख सकते थे किस प्रकार थे जो बाहर में लोग कमाते खाते थे वो अब अपने अपने घर की ओर लौट रहे हैं। जो तस्वीर में देख रहे, आखिरकार ये लोग कैसे आ रहे हैं ये तो पता नहीं है। ये लोग कोरोना की जाँच करवाए या नहीं करवाए, इन लोगों को कोई रोक ठोक वाले नहीं है। हमने इन लोगों से बातचीत भी की है तो इन लोगों ने तौर पे कहे थे बाहर में अब काम पूरी तरह ठप हो गई है, हर जगह पर लगातार लॉकडाउन हो रहा है, बिहार में भी लॉकडाउन हुआ है। इसी को लेके अब ये लोग अपने घर की ओर आ रहे, घर में ही कामकाज करेंगे और घर पे ही रहेंगे। अगर बिहार में इन लोगों को रोजगार मिलती है तो बिहार में ही रोजगार करेंगे। आप तस्वीर में देख रहे थे किस प्रकार से लोग अपने अपने जो बाहर में रहते थे कामकाज करते थे वो सीधा अपने घर की ओर आ रहे हैं। आइए आपको छोड़ चलते क्या कुछ कह रहे हैं बाहर से आए मजदूर लोग, इन्हीं की बातों को हम सुनाते हैं। लॉकडाउन की वजह से काम नहीं चल रहा था। काम नहीं चल रहा है जी। हाँ, क्या कुछ कहोगे लॉकडाउन लग गया? क्या सर, क्या लगता है लॉकडाउन लग गया, क्या कुछ कहोगे? क्या हो गया, गरीब लोगों को मरने का टाइम आ गया और कुछ नहीं हुआ। मुंबई से। अच्छा, कैसे आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? बुलेट आ रहे हैं। आने का कोई सुविधा? बुलेट आ रहे हैं। बिहार से कोई सुविधा नहीं, साला 100 के जगह 50 का जगह 200 रुपया पैसा भाड़ा ले रहा है। 50 रुपये का जगह 200 रुपया भाड़ा ले रहा है सरकार बस वाले। हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार को इसलिए बनाया है कि जनता मरेगा। रफीगंज औरंगाबाद जिला रफीगंज। लॉकडाउन के चलते हम लोग दुकानदार आदमी हैं सर, बिजनेस करते हैं। दुकान बंद हो गया इसके कारण से चलने पड़ गया जी। यहाँ नवादा घर हुआ सर। नहीं सर, नहीं सर, क्यों निकलते हैं? नहीं सर, कार्ड देने गए थे। शादी था सर। शादी कार्ड बात जी सर। जी, कार्ड देने के लिए आए सर। अब ये बताइए, अच्छा लग रहा है लॉकडाउन में आप इस तरह से उठा बैठे, अच्छा लगता है? जी नहीं सर। तो क्या ऐसा करिएगा? जी नहीं, अब से तो छोड़ देंगे। तो दीदी यहाँ जा रहे हैं। पता है तुमको कि क्या है भोला में? जी सर पता है। फिर जा रहे हैं सर, फिर कल चल आएँगे। तो लॉकडाउन का पालन नहीं करोगे? हाँ सर, कर रहे हैं लॉकडाउन का पालन। हम तो सर मास्क जूता सब कुछ पहन ले हैं सर। मास्क और जूता पहने हुए लॉकडाउन का पालन हो रहा है? नहीं सर, ना आएंगे सर। जो सही सर ऐसा नहीं, 11 बजे तक निकलना, तो फिर क्यों निकलते? नहीं सर, तो ना निकलेंगे तो इसी करें सर। मतलब बेवजह निकलना जरूरी है? नहीं सर, बेवजह नहीं निकलते सर, हम अब कुछ नहीं करेंगे सर। ना सर, नहीं बस से आए। अनसार नगर पर है संतोष बिल्ट हाउस। नहीं नहीं नहीं, सैनिटाइजर लेके जाना है जी। 11 बजे तक क्यों काम को निपटा लेते हैं? अभी आए किया, कितना हम जवाब दे भैया? अभी आया है, अभी गाड़ी देखें लगा हुआ देखें सजा के। मद्रास से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आ रहे हैं उधर भी कुछ बंद उनके सपना देखे, इसलिए यहाँ चला है अपना घर देश। अपना देश चले आए जी? और देश छोड़ दिए? हाँ जी। काहे छोड़ना पड़ा? इसीलिए काम मतलब 2 दिन चलता है, 1 दिन बंद रहता है। कैसे आ रहे हैं आप लोग? बस से आए सर। जांच करवा रहे हैं ना? हाँ, जांच वहाँ पर किया था सर। कहाँ जा रहे हैं? जम्मू जाना था सर। पैदल जाएगा? नहीं, कोई देखेंगे सर, गाड़ी उड़ी मिल गया तो निकल जाएंगे। मद्रास से। क्या करते थे? काम वम करते। काम नहीं मिला?